आपने भी बहुत कुछ कहा और तफसीली फैसला भी आया है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के किरदार पे आपने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां सरंजाम नहीं देता तो इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को घर तो चले जाना चाहिए था 9 फरवरी के बाद ही, लेकिन भेजेगा कौन? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने अपने इंट्रो में बड़ी तफसील से बताया है कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में हर इदारा, हर जमात, हर फोरम जो है वो एक दूसरे से बाहम दस्त व गिरेबां है। और जो भी कोशिश हम जैसे लोग जो कर रहे हैं कि टेम्परेचर नीचे आए, वो तो बज़ाहिर नाकाम होते ही नज़र आ रहे हैं। और अब एक दिमाग में खन्नास है हुकूमत के कि वो समझ जाएं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फतह ना हो जाए हम हुकूमत नहीं कर सकते, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट को फतह करना चाहते हैं। सो इस वक्त तमाम जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि फायज ईसा साहब जो है उन्होंने अपनी एक्सटेंशन को नौकरी में तोसी को अपनी ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया, और वो इसके लिए कोई अखलाकी इकदार, कोई कानूनी इकदार, कोई और चीज़ जो है वो उसको समझिए कि मद्देनज़र रखने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसला जो है, पाकिस्तान का आईन जो है, वो तीन जो हमारे पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, यानी इंतज़ामिया, मुकन्ना और अदलिया, इन तीनों में इख्तियारात को तकसीम करता है। अब मुकन्ना और जो इंतज़ामिया है वो कह रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत ही नहीं है, और हम ही बताएंगे कि क्या आईन है और क्या कानून है। जो आज अभी आपने आज़म नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो अगर एग्जेक्टिव ने ही बताना है कि फैसले कानूनी हैं या नहीं है, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई, फिर अदलिया तो खत्म हो गई। ठीक, तो इस वक्त तो सीधी सीधी बात है कि अगर तो वुकला और जजेस इकट्ठे होते हैं और अपने इदारे को बचा सकते हैं तो बचा लेंगे, अदरवाइज ये हम एक और बहरान में हैं और ये बहरान मजीद बढ़ेगा। अच्छा, ये जो आज फवाद चौधरी साहब तफसीली फैसला आया है, इस पे ऐसा लग रहा है, बल्कि लग क्या रहा है, ऐसा वाजे तौर पे है कि एक तरफ वो जो 8 जजेस हैं जिनका फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स देने के, रिजर्व सीट्स देने के हक़ में आया था, उन्होंने एक पूरी चार्ज शीट तैयार की है 2 जजेस साहिबान के इख्तलाफी नोट पर कि उनके कंडक्ट पे कि वो गैर आइनी था, इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ काजी फायज ईसा साहब ने भी चार्जशीट तैयार कर ली है उन 8 पर, और ज़ाहिर है कि सवाल जो है उन्होंने भेजे हैं रजिस्ट्रार को। ये जो चार्जशीट विद इन द इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गई एक दूसरे पर, इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका नतीजा भी तबाही है अदारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी में ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता कि फैसले सारे एक जैसे हों, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बटालियन तो नहीं है या रेजिमेंट तो नहीं है, तो आपके फैसले में तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो दैट नॉट एन इशू। इशू ये है जो आज 8 जजेस ने अपने फैसले में लिखा है कि तहजीब और तमद्दन और ये जुडिशियल जो आपके डिफरेंस है उसका तरीकाकार क्या है। जिस तरह उन 2 जजेस ने कहा कि आप आइन को माने ही ना फैसले को, आप देखिए ना, ये तो फिर क्यों है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कह रहे हैं कि आपका दिल है तो माने, नहीं दिल करता तो अब ना माने, तो फिर आप मुझे बताइए। हर चीज ही के 2 पहलू है ना, और उसको कोई डिसीजन तो कोई होना है। अब हमारा निजाम ये है कि अक्सरीती सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, वो कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं, शिरकत नहीं की, बल्कि उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं की उससे मुतालिक उन्होंने कमेटी को खत भी लिख दिया, उन्होंने 3 शरायत भी रखी हैं, वो भी आपके सामने है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि उन्होंने क्या मैसेज दिया, प्यूनी जज हैं और ही इज गोइंग टू बी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ ही इज गोइंग टू बी। तो ये जो इख्तलाफ है, और फिर जो अगर उन्होंने शिरकत नहीं की और काजी फायजा साहब ने ऑर्डिनेंस के बाद जो फैसला किया और मुनीब अख्तर को हटा के एक 5वें नंबर के जज को ऐड ऑन करके 5 रुकनी बेंच भी बना दिया, तो ये तो इनिशियली मुतनाज़े हो गया वो बेंच भी और वो फैसला भी। नहीं, वो तो जाहिर है कि देखिए ना, सारा काम तो हो रहा है ना मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए, और ये जो सारा तमाशा लगा है, एक पूरी नई अदालत आप बना रहे हैं फायज ईसा साहब को 3 साल एक्सटेंशन देने के लिए, और आप सुप्रीम कोर्ट के इदारे नहीं, लेकिन हुकूमत तो नहीं मार रही चौधरी साहब, वो तो कह रही है, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह होंगे अगले चीफ जस्टिस। नहीं, वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन देखिये ना, एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसकी हैसियत सिविल जज 3rd क्लास की होगी,
मंसूर अली शाह जैसा आदमी उसका जस्टिस क्यों बनेगा? कोई भी ऑनरेबल आदमी इस सिस्टम में जज नहीं बनेगा जो ये प्रपोज कर रहे हैं। इससे तो हाई कोर्ट के जजेस जो यानी हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि दे आर फॉर्मली आइंग फॉर आईनी अदालत द गवर्नमेंट। आईनी अदालत के ऊपर तो सारा झगड़ा है ना, सारा कुछ हो रहा है। और हद ये है कि फैज ईसा साहब वो तमाम फैसले जिनके असर असरात आईनी तरमीम के ऊपर है, मिसाल के तौर के ऊपर रिकाउंट करा के लोगों को दोबारा जो है वो असम्बली में पहुंचाना, फिर आपने बेंचेस बनाना जिसका इम्पैक्ट हो आर्टिकल 63, और वो खुद उसको हेड कर रहे हैं। अब एक एडहॉक जज जिसको कहा गया था कि ये सिर्फ केसेस निपटाने के लिए लाए गए हैं और आईनी में अदालतों में नहीं बैठेंगे, आपने उसको भी बेंच में शामिल कर लिया है और आप कह रहे हैं कि वो फैसला करे। अब ये तो देखिए एक तमाशा लग गया है और पाकिस्तान के अंदर बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिससे हम गुजर रहे हैं, जहां इदारे आपस में लड़ रहे हैं, फिर इदारों के अंदर जो लड़ाइयां हैं वो अब आपके सामने जो है वो आ रही हैं। पाकिस्तान को तो इसका बहुत नुकसान हो रहा है और आई डोंट नो इसको कैसे हम आगे चल के जो है वो हैंडल करेंगे। पाकिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिस्ट। अच्छा, ये हैंडल करने से मुझे एक और सवाल जहन में आया है तो पूछ लेते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जलसा लाहौर में किया है, ठीक हैंडल किया है, क्योंकि बहुत इम्पैक्टफुल शायद उस तरीके से नहीं हो सका जिस तरह का 8 सितंबर का जलसा था। नहीं, इसकी वजह यह है कि लाहौर में तो 15 घंटे के नोटिस पे जलसा हुआ है ना, तो उस हिसाब से तैयारी तो उसकी वो काफी दिनों से ही कर रहे थे। नहीं, लाहौर से 35 किलोमीटर दूर हुआ, 15 घंटे पहले जो है वो परमिशन मिली और इतनी मुश्किलात और वो सड़कें रोक के, तो उस हिसाब से 16 महीने के बाद पहला जलसा पीटीआई कर सकी, तो उसके हाथ से तो बड़ा इम्प्रेसिव है। और देखिए इसमें फरवा क्या बहस है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है और पीटीआई सबसे पॉपुलर पार्टी है, इसके ऊपर तो बहस करना ही इस वक्त मैं समझता हूँ गैर जरूरी है ना। इशू ये है कि इस वक्त जो जिस किस्म की सिचुएशन ये जा रही है, वह हुकूमत कह रही है कि हमें कोई इखलाकियात की परवाह नहीं है, कानून आइन को हम जानते नहीं है, आप हमसे छीन सकते हैं तो छीन ले, अदरवाइज हम बैठे हैं जो मर्जी। लेकिन इसमें आई गॉट अनदर क्वेश्चन। मुझे आपने ठीक कहा कि चले इमरान खान पॉपुलर हैं और इसके बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं है इसको मानते हुए, बट अगेन अली अमीन गंडापुर साहब वॉज वेरी, जिसे कहते हैं ना कि वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, उन्होंने वो एक फिल्माई अंदाज में शीशे भी तोड़े, रुकावटें भी उबूर की, और फिर वो ज़ाहरा के चैलेंज भी हुकूमत का उन्होंने कहीं फेंक दिया दूर कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ, मगर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा या किया। वो पुरानी वाली पेस्ट्रीज काम कर गई कि वो दोबारा से नहीं खानी नहीं चाहते थे पैटिस वगैरह। देखिए अगर तो मकसद ये था कि टेम्परेचर कम रखा जाए तो ये तो अच्छी बात है और हमें इसको वेलकम करना चाहिए। क्या जरूरत है पाकिस्तान में इस वक्त, जरूरत है ठहराव आए, कोई हम आगे बढ़ने का सोचें, कोई थोड़ी चीजें जो है वो बेहतर हो। और अगर हर वक्त और हर शख्स ने जो है वो लड़ते ही रहना है और बातें करके टेम्परेचर ऊपर ही करना है, वो तो आसान काम है ना, वो तो हो ही जाएगा। तो आई थिंक अगर ये आप अगर थीसिस दे लिया जाए, ये कैसा उन्होंने टेम्परेचर कम रखा है कि उन्होंने बाद में कह दिया कि माफी नहीं मांगूंगा और छुड़ा के ले जाऊंगा। तो माफी तो नहीं, लेकिन अभी आपने ही कहा है कि इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर उन्होंने कम रखा, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, तो या तो आप इधर रहे ना या उधर रहे, तो दोनों में से आपकी जो ओपिनियन है वो उसके बाद। अच्छा, आपने ये कहा कि आपसे पार्टी छुड़वाई गई, ठीक है, ज़ारा आप एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि आपसे छुड़वाई गई, आप एक्सप्लेनेशन उसकी देते हैं, लेकिन जो पीटीआई वाले हैं जो इस वक्त मौजूद हैं वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आपसे छुड़वाई गई, वो कहते हैं कि आपने छोड़ी है। कौन कहते हैं? अब बहुत सारे लोग कहते हैं इस बारे में, मैंने नहीं सुना किसी का बयान। मौजूदा क्यादत तो ये इस बात पे कहती है कि जी हमने तो नहीं छुड़वाई है। मौजूदा क्यादत कौन है भाई? मौजूदा क्यादत इमरान खान जब कहेगा देख लेंगे, इमरान खान के अलावा और कौन क्यादत? मगर फवाद चौधरी साहब, अगर आप एक तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, अगर उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, इमरान खान को छुड़वाने की बात आप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग ऑन वन वे एंड द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ इज़ गोइंग ऑन अनदर वे। तो आप लोगों के शायद मकसद या एंड लाइन एक हो सकती है, लेकिन आप लोगों के ना तो कोई सिंक्रनाइजेशन है और ना कोई एतमाद अभी तक बहाल हुआ है, ना उनका आप पे ना आपका उन पे। पर पीटीआई ने क्या करना है ये तो जाहिर है कि जो उनकी लीडरशिप है चाहे जैसी भी है वो तो उन्होंने फैसला करना है ना। हमारा तो जो सजेशन है या बात है वो तो मैं अपनी जाती हैसियत में ही कर सकता हूँ और मैं
समझता हूँ कि जो ये जो तरामीम है इसके नतीजे में पाकिस्तान का बुनियादी आईनी ढांचा ही ख़त्म हो जाए। तो बतौर लॉयर मेरी ये जिम्मेदारी है, बतौर पॉलिटिशियन मेरी ये जिम्मेदारी है, बतौर पाकिस्तान के सिटीजन के मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये तवज्जो दिलाऊं कि ये हम क्या करने जा रहे हैं अपने अपने साथ। और एक शख्स के लिए आप पूरे पाकिस्तान का आईनी ढांचा तबाह बर्बाद कर रहे हैं, पाकिस्तान का वाहिद मुतफिका डॉक्यूमेंट जो है वो आप तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान की जुडिशरी खत्म करने जा रहे हैं, वकला की प्रैक्टिस ही खत्म हो जाएंगे इसके बाद करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो लॉयर्स हैं उन्हें ये चाहिए, बार एसोसिएशन का ये फर्ज है कि वो लॉयर्स का सेंटिमेंट जो है उसको भरपूर तरीके से एक्सप्रेस करें। अभी तक तो हम देखते हैं कि सवाए उसके कोई एक दो रेजोल्यूशनों के कागजों के ऊपर इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और अभी मेरी नजर में तमाम जो सियासी जमातें हैं, पीटीआई है, जेयूआई है, जमात इस्लामी है, जीटीए है और बार एसोसिएशन है, इनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके इकट्ठा होना पड़ेगा और पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का आइन जो है वो पाकिस्तान की सलामती का जामन है और इसलिए आपको आइन बचाने के लिए पूरी एफर्ट डालनी।